एक गैंगस्टर जिसकी जान जाने का पुलिस को भी है डर। जिसकी सिक्योरिटी जेड प्लस सुरक्षा को भी करती है फेक। दिल्ली से लेकर गुजरात और पंजाब से लेकर राजस्थान तक अब जेल ही है उसका ठिकाना। जेल से ही चला रहा है वो क्राइम का साम्राज्य। जेल से ही चलाता है वसूली का सिंडिकेट, वहीं से करता है टारगेट सेट। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में अपने सहयोगी रविंद्र पूजा वक्ता और शालिनी के साथ मैं नेहा दुबे। आज उस गैंगस्टर की कहानी जिसका खौफ इतना कि दिल्ली पुलिस को सोचना पड़ गया, कोर्ट से गुहार लगानी पड़ी कि उसे दिल्ली नहीं किसी और राज्य की जेल में रखा जाए। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। गैंगस्टर को भी लगता है डर। 700 शूटरों की फौज, खुद जेल में गैंगस्टर्स की लिस्ट में टॉप पर है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस की हिट लिस्ट में बॉलीवुड स्टार सलमान खान समेत कई बड़े नाम हैं। लेकिन खुद लॉरेंस विरोधी बम्बिहा गैंग की हिट लिस्ट में आ गया है। बम्बिहा गैंग किसी भी कीमत पर लॉरेंस को ठिकाने लगाना चाहता है, फिर चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो या फिर जेल में। और इसी डर के चलते लॉरेंस को दिल्ली की जेलें रखने को तैयार नहीं हुई। दिल्ली में जेल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की आशंका थी कि तिहाड़ या दिल्ली की दूसरी जेल लॉरेंस के लिए महफूज नहीं। विरोधी गिरोह कभी भी टिल्लू ताजपुरिया जैसा कांड करके लॉरेंस का काम तमाम कर सकते हैं। पंजाब की बठिंडा जेल लौटा गैंगस्टर लॉरेंस। अदालत ने जेल प्रशासन के रिक्वेस्ट को माना। सुरक्षा एजेंसियों को मिले थे अहम इनपुट। लॉरेंस की हत्या की साजिश की लगी थी भनक। लॉरेंस को फ्लाइट के जरिए पंजाब भेजा गया, जहां बठिंडा जेल में उसे रखा जाएगा। लॉरेंस अरसे से बठिंडा जेल सेंट्रल में बंद था। फिर गुजरात पुलिस एक केस की तफ्तीश के लिए उसे साबरमती जेल लेकर चली गई। वहां से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस को अपनी कस्टडी में लिया था। और अब जब ये इनपुट मिले कि बम्बिहा गैंग लॉरेंस की हत्या करवा सकता है, दिल्ली में जेल प्रशासन के कान खड़े हो गए और फिर लॉरेंस को वापस भेजना पड़ा। सवाल ये है कि आखिर लॉरेंस को लेकर दिल्ली पुलिस इतनी अलर्ट क्यों है? आखिर क्यों पुलिस को लग रहा है कि लॉरेंस के दिल्ली की जेल में रहने पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है? इसकी वजह है गैंगवार। हाल के महीनों में तिहाड़ में दो बड़ी वारदात, गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया का कत्ल, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर। टिल्लू का कत्ल लॉरेंस सिंडिकेट ने करवाया। टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल का वीडियो जब सामने आया था, इसी के साथ देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल की पोल खुल गई थी। पुलिस की मौजूदगी के बाद भी टिल्लू के विरोधी गैंग के अपराधियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड को जिस गिरोह ने अंजाम दिया, वो लॉरेंस के क्राइम नेटवर्क से जुड़ा गैंग था। टिल्लू से पहले प्रिंस का कत्ल भी इसी अंदाज में हुआ था। यानी ये साफ हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट विरोधी बम्बिहा गुट ने सेट कर लिया है, तो वो हत्या करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बम्बिहा गैंग दिल्ली के टॉप गैंगस्टर नीरज बवाना के सिंडिकेट से जुड़ा है और नीरज भी जेल में है। और ऐसे में जब खुफिया इनपुट्स मिले कि लॉरेंस का विरोधी गुट मर्डर करवा सकता है, फिर जेल प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों गिरोहों की रंजिश भी खुलकर सामने आती रही है। दरअसल बम्बिहा गैंग पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से ही लॉरेंस से बदला लेने की ठाने हुए है। राजस्थान के नागौर में संदीप बिश्नोई का कत्ल इसी अदावत का खूनी अंजाम था।
बम्बीहा गुट का 3 टारगेट। अगला नंबर गोल्डी बराड़ का। फिर आएगी लॉरेंस की बारी। हिट लिस्ट में जग्गू भगवान पुरिया भी। खैर, अब कोर्ट के आदेश के बाद लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां लॉरेंस बिश्नोई केस खत्म होने तक रहेगा। अगर किसी और कोर्ट में सुनवाई होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा लॉरेंस बिश्नोई।